हेलो मेरी टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और सिर्फ मैं गर्म पानी पी रही हूँ, कुछ भी इसमें नहीं डाला है, ठीक है? और मैं इतना तैयार से यार, ये मत सोचना आप लोग कि इतना मॉर्निंग में तैयार हो गई है। ये कल का ही है, लिपस्टिक है बस तैयार, क्या और कुछ भी नहीं है। मेकअप से कब में लिपस्टिक रात को छुड़ाई नहीं थी, तो बस वही मेरी लिपस्टिक, मतलब जो मैं मैट वाली लिपस्टिक लगाती हूँ वाटर प्रूफ, वो छूटती नहीं है जब तक छुड़ाओ ना, तो रात में छुड़ाया नहीं था। तो खाना पीना बन गया है, बेटी को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। ये मैंने ले लिया है अपना खाना, सोयाबीन की सब्जी, एक रोटी चुकंदर सैलेड में, और दही लिया है और दाल लिया है, बस मैं इसको खा लूँगी। ये होता है एक हेल्दी डाइट, इसको खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता है और आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, ये सब चीज़ें आप खाते हैं तो आपका वेट लॉस होता है, आपको एक्स्ट्रा कैलरीज नहीं मिलते हैं, ठीक है? और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वीडियो बिल्कुल भी कहीं भी स्किप मत करिएगा। जो लोग न्यू होंगे, जो लोग वेट लॉस की जर्नी होंगे, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये डिमांडेड वीडियो है एक। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि ये वाली वीडियो मैं लेकर के आऊँ, बहुत दिन से ये कमेंट आ रहा था, ठीक है? तो फाइनली आज की वीडियो में मैंने सब कुछ हाय, बताया है। तो मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है, मैं इसको पी लूंगी। और आज कई दिनों बाद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, हालांकि अभी मेरा ग्रीन टी नहीं आया है, जो पुराना वाला था उसमें एक टाइम का बचा हुआ था थोड़ा सा। इसके बिना मुझे बहुत ही ज्यादा अधूरा लग रहा था, पता है? मतलब खाना खाने के बाद एक आदत बन गई थी ग्रीन टी लेना, नहीं ले रही थी तो अजीब सा लग रहा था। तो आज मैंने डब्बे को देखा तो एक टाइम का बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बना के पी लेते हैं। कई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि दी आप जो पहले वेट लॉस की, तो जैसे जब मैं पहले जो मैंने वेट लॉस किया था उसमें मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब जो गेहूं की रोटी होती है खाया था खाना, ऐसा नहीं है, जो गेहूं की रोटी होती है और चावल होता है वो सब मैंने नहीं लिया था। तो उन लोगों का कहना है कि आप कौन सा मतलब डाइट कर रही थी, क्या कुछ खाती थी, वो डाइट शेयर करिए मुझे मॉर्निंग टू नाइट तक। कोई कोई डाइट कर लेता है ना, जैसे अभी 32 बार में तो ऐसा नहीं है, आप घर का सब कुछ खा पी सकते हो। तो अगर आप डाइट करते हो और एक्सरसाइज करते हो 1 घंटे, तो बहुत ही तेजी से वेट लॉस होता है, जो कि मैंने भी किया है। हर महीने 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, 7 किलो, ऐसे मैंने वजन कम किया था। ऐसे ही नहीं ना, मतलब वजन कम हुआ है, जहां मैं 106 किलो की थी और आज मैं अभी आप लोग के सामने हूँ, इतना वजन कम कर लिया मैंने। तो खैर, मैंने शुरू में बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है और बहुत तगड़ा वाला डाइट मैंने किया, तो कई लोग पूछ रहे थे कि वो वाला आप डाइट शेयर करो, तो मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ग्रीन टी पी ले। तो मैंने पी लिया है अपना ग्रीन टी और मॉर्निंग्स में बताती हूँ कि मैं क्या कुछ उस टाइम में खाती थी, ठीक है? देखिए, जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी पिया है मैंने, सिर्फ सिर्फ गर्म पानी पिया है, कभी कभार अजवाइन पानी, धनिया पानी, ये सब। और उसके बाद से उस टाइम मैं एप्पल साइडर विनेगर और चिया सीड नहीं पीती थी, तो मैं सिर्फ गर्म पानी पी हूँ। और गर्म पानी मैं सिर्फ मॉर्निंग में नहीं पी हूँ, मैं मतलब पूरे दिन मैंने गर्म पानी पिया है, और इतना गर्म पानी नहीं कि आप पी ना सको। जैसे एक चाय होता है ना, चाय तो फिर भी तेज गर्म है, मतलब पीने लायक होता है, सिप सिप आप उसको इजिली पी जाते हैं, उतना गर्म होना चाहिए। मैंने पिया है, मेरा बेली फैट बहुत था, बहुत बहुत था। मैं बता नहीं सकती, मतलब उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल होता था, मैं बैठती भी थी तो भी इतना ज्यादा पेट बाहर आ जाता था ना कि पूछो ही ना। तो गर्म पानी पीने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? वेट लॉस तो होता ही है, बेली फैट बहुत तेजी से कम होता है, बेली फैट जो होता है ना बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप मॉर्निंग में 1 लीटर पानी गर्म पीते हो बिना कुछ खाए पिए, 1 लीटर तक, तो और तेजी से बेली फैट कम होता है। तो मैं गर्म पानी पीती थी। उसके बाद से कोई पूछ रहा था उसमें कि आपका टाइम जो था खाने पीने का, टाइम फिक्स था? तो हाँ, मेरा टाइम फिक्स था, मैं उसी टाइम में मैं खाती थी, हल्का सा 19-20 होता था, बट ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटे नहीं होता था। तो 9 से 10 के बीच में, अरे लगभग वही 9:30 तो हो ही जाता था मुझे ब्रेकफास्ट करने में, ठीक है? तो 9 से 10 के बीच में मैंने अपना रखा था ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, ज्यादातर मैंने एप्पल खाया हुआ है,
मैंने फ्रूट्स एप्पल में, मतलब जैसे एप्पल भी हो गया फ्रूट्स में, जैसे एप्पल हो गया और पपीता हो गया, ठीक है, ये मैंने खाया है, और खरबूज भी मैंने खाया है। तो मॉर्निंग में खाली पेट ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा होता है जब हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो भी, और ऐसे भी ब्रेकफास्ट में अगर हम फ्रूट लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पता है। तो मैं फ्रूट्स का मतलब नाश्ता करती थी, कभी कभार दूध मूसली मैं लेती थी कभी कभार, अब बहुत रेयर मैंने चीला लिया है वो भी ओट्स का। मैं गेहूँ चावल नहीं खाई हूँ करीब 2.5-3 महीने, 2.5-2 महीने मैंने गेहूँ और चावल नहीं खाया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाया है, इन 2.5 महीने में लगभग मैं 4-5 बार खाई होंगी रोटी, तो वो भी रोटी मैं किस चीज़ का खाती थी, मल्टीग्रेन आटा की, ठीक है। और चावल जब मुझे खाना होता है, जैसे कुछ राजमा उजमा सब्जी बनी है पनीर वनीर की, तो मैं इतना सा चावल लेती थी बहुत थोड़ा सा। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। लंच की बारी आती है, तो लंच में मैं क्या लेती थी, ऑमलेट लेती थी, उसके बाद से एक कटोरी, बड़ा वाला कटोरी से मैं भर के दाल लेती थी, और ढेर सारा उस टाइम मैं सैलेड लेती थी सैलेड मैंने बहुत लिया है, और खीरा वगैरह, खीरा हो गया और गाजर हो गया और टमाटर हो गया, मतलब इतना इतना सारा मैं सैलेड खाती थी, सैलेड से ही मेरा पेट भरता था, सैलेड हो गया, दाल हो गया और हरी सब्जी। तब उस टाइम मैं मसाला वाला सब्जी नहीं खाती थी, हरी सब्जी में खाती थी, ढेर सारी मैं हरी सब्जी ले लेती थी, और दाल सैलेड यही। उसके बाद से दही भी मैं लेती थी, दूध भी मैं लेती थी, दूध में रात में लेती थी। वेट लॉस में अगर ओट्स का सेवन आप ज़्यादा करते हैं ना, तो वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, तो 5 बजे तक करीब मैं, 5 बजे स्प्राउट लेती थी मैं, इतना सारा मैंने स्प्राउट बना लिया, उसमें एक टमाटर काट देती थी मैं, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह, और नींबू निचोड़ देती थी, नमक, ये सब मैं डाल करके अपना स्प्राउट लेती थी। मैं रोज़ स्प्राउट लेती थी, और शाम को मैं 5 बजे डेली मैं स्प्राउट लेती थी, और वही खा करके फिर मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा भर जाता था, मुझे भूख भी नहीं लगता था रात तक, और रात में फिर मैं ग्रीन टी लेती थी। उस टाइम मैं 4 बार ग्रीन टी पीती थी, आफ्टर मील मैं 4 बार ग्रीन टी पीती थी। मैं रोज ही 5 बजे डिनर फिनिश हो जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी कभी मैं 7 बजे भी, 8 बजे भी, मतलब एक टाइम था मेरा 8 बजे के अंदर तक डिनर कर लेना, ठीक है। तो कभी कभी मैं 5 बजे तक कर लेती थी, 6 बजे तक कर लेती थी, कभी कभी 7 बजे 8 बजे भी मैं डिनर करती थी। तो जब 7-8 बजे मैं रात में खाती कुछ खाती थी, तो मैं डिनर में क्या लेती थी, जैसे ओट्स बना लिया, दूध मूसली ले लिया, ओट्स का चीला हो गया, या फिर सोयाबीन है तो सोयाबीन को मैं, सोयाबीन ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है उसमें, और पसीना इग्नोर करिएगा, फैन बंद करके वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। तो ओट्स में मैं सोयाबीन बड़ी जो होती है वो डाल के मैं बनाती, और ओट्स मैं बनाती कैसे थी, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये डाल के थोड़े से ऑयल में उसको भून लेती थी, उसके बाद से फिर ओट्स को अपना उसमें डाल करके, नमक वगैरह, हल्दी वगैरह डाल करके, और ये भिगोई रहती थी अपना सोयाबीन, तो वो भी मैं उसमें डाल के अब बना लेती थी, फिर वो मेरे को खाने भर के हो जाता था, अपने लिए से बनाती थी। तो ये हो गया मॉर्निंग से नाइट तक का मेरा। और मैं क्या कुछ खाती थी, जैसे अब दिन भर में सिर्फ एक ही डाइट तो नहीं लूँगी ना, हर दिन अलग अलग मैं चेंज करके खाती थी। तो कभी शाम में मैं पनीर, जैसे एक गिलास, मेरे घर में सभी लोग दूध पीते हैं, दूध दही सब कोई खाता है, ठीक है, सभी के लिए आता है दूध, तो मेरा जो दूध होता था एक गिलास दूध, उसका मैं कभी कभी क्या करती थी, पनीर बना लेती थी, हर तीसरे दिन मैं पनीर खाती थी, उस एक गिलास का दूध में पनीर, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेती थी मैं, करीब वो 50 ग्राम पनीर निकलता था, तो हर तीसरे दिन मैं पनीर लेती थी, पनीर के टुकड़े कर देती थी, नमक थोड़ा छिड़क करके, काली मिर्च छिड़क करके उसको मैं खा लेती थी। तो ये चीज़ें मैं रात के डिनर में करती थी, ठीक है। और दूध मूसली भी मैंने खाया है रात में, मैंने दूध मूसली कभी कभार, नहीं ओट्स खाने का मन हुआ और स्प्राउट नहीं खाने का मन हुआ, उसका चीला वगैरह नहीं खाने का मन हुआ, तो मैं दूध मूसली खाती थी, एक गिलास दूध ले लेती थी, उसमें थोड़ा सा मूसली डाल करके मैं पूरा खा जाती थी, तो पेट भर जाता था मेरा।
हरी सब्जियों का खूब सेवन किया है मैंने, फ्रूट्स मैंने खूब खाया है, सैलेड मैंने खूब खाया, सैलेड मेरी थाली में भर भर के होता था। और उस टाइम पर मैं अपना वेट लॉस जर्नी नहीं शेयर करती थी, ना ही मैंने कभी अपनी वीडियो में, मैं बहुत रेयर मतलब खाना पीना मैं दिखाती ही नहीं थी। अभी वेट लॉस करा रही हूँ तो इसलिए मैं दिखाती हूँ कि ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकेंगे कि क्या क्या कुछ मैं खाती हूँ, क्या कुछ खाना चाहिए डाइट में, ठीक है। और हाँ, 1.5 घंटे मैं वर्कआउट करती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं वर्कआउट करती थी उस टाइम पर। तो ये था मेरा डाइट प्लान, और ये डाइट प्लान करके और 1-1 घंटे एक्सरसाइज करके ना महीने में 7 किलो 8 किलो आराम से वजन कम होता था मेरा। अब बहुत जल्दी ही मैंने वजन कम कर लिया था, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो बहुत ही तेजी से आपका वेट लॉस होगा। बस ये ध्यान में रखो, आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो प्रोटीन किस में मिलेगा? दाल में मिलेगा, स्प्राउट में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, एग में मिलेगा। मैं एग भी, अंडा मतलब जो है ऑमलेट, मैं हफ्ते में 2-3 बार तो खाती ही थी, ज़्यादा रोज़ रोज़ तो नहीं मैं खाती थी, बट 3-3 दिन पर मैं ले लेती थी ऑमलेट। तो ये सब होता है प्रोटीन का स्रोत, और जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी भी होता है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है हमारी बॉडी को उस टाइम पर, फ्रूट चाहिए होता है, दूध दही चाहिए होता है, ताकि हमें कमज़ोरी ना आए। और बिल्कुल भी मुझे उस टाइम पर कमज़ोरी नहीं आती थी, मैं रोटी और चावल बिल्कुल से छोड़ दी थी, मीठा मैंने बिल्कुल नहीं खाया, जंक फूड तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं, घर का यही सब जो मैंने बताया ना डाइट, यही मैं लेती थी, इसी में चेंज कर करके लेती रहती थी अपना। बेसन का भी चीला बनाती थी, बेसन का चीला खा लेती थी कभी, ऐसे होता था। और दोपहर का जो लंच होता था उसमें रोटी तो होती ही नहीं थी, सैलेड, दाल, अंडे, ऑमलेट वगैरह कभी बना लिया, या फिर बॉयल एग ले लिया, यही सब मैं खाती थी, ठीक है। तो ये था मेरा रूटीन, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना तेजी से वेट लॉस करते हैं। अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे ना और 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, फुल बॉडी एक्सरसाइज, मैं गारंटी देती हूँ 8 से 9 किलो 10 किलो तक आप वजन कम कर लोगे 1 महीने में। लेकिन कंटिन्यू करना है, आप अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे एक टारगेट रखिए कि मुझे 1 महीने में इतना वजन कम करना ही करना है, और यही डाइट फॉलो करना है। ये सोचिए कि मुझे 1 महीने तक बाहर का कुछ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है, सिर्फ मुझे अपने इसी डाइट को फॉलो करना है और 1 घंटे मुझे एक्सरसाइज करना है, और मुझे रिजल्ट 8 किलो 10 किलो का चाहिए। माइंड को सेट करिए, फिर सब हो जाएगा, सब आपके माइंड के ऊपर होता है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को सेट करिए, मन को कंट्रोल करिए, ईजिली सब कुछ हो जाता है। वेट लॉस क्या है? वेट लॉस कुछ नहीं, बस आपको 2-3 महीने मेहनत करने की ज़रूरत है बस। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट तो आप लोग करते ही हो, जो कुछ भी पूछना होगा कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू गाइज, टेक केयर।